हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। तो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द डिफरेंट कॉलेजेस। तो इसी लिस्ट में वी हैव द नेक्स्ट कॉलेजेस इज एसपी जैन। तो अगर आप लोगों को, इफ यू हैव एन आइडिया, तो एसपी जैन यू विल ऑलवेज फाइंड इट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 10 बी स्कूल्स इन द कंट्री। तो अभी रिसेंटली एसपी जैन का नोटिफिकेशन इज आउट, है ना। तो आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फाइनल डेट इज 22 नवंबर। से पहले पहले आपको क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो शुड यू गो फॉर एसपी जैन, और क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, इफ़ यू आर अ फ्रेशर, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करेंगे दो प्रोग्राम्स जो ये अभी ऑफर करेगा आपको। एक इज़ PGDM। तो PGDM इज़ अ स्पेशलाइजेशन बेस्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको इनिशियली जब आप अप्लाई करोगे तो आपको दो चॉइसेस, दो स्पेशलाइजेशन मांगेगा, ठीक है। तो अगर आप एक स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं सेलेक्ट होते हो, लेट अस से फाइनेंस आपने डाला है, यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर फाइनेंस, तो दे विल कंसिडर यू फॉर द सेकेंड स्पेशलाइजेशन। तो दैट इज़ PGDM। आर एक प्रोग्राम है दैट इज़ PGDM इन, दैट इज जनरल बिजनेस, राइट, बिजनेस मैनेजमेंट, दिस इज अनदर प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए यू कैन अप्लाई थ्रू कैट एंड GMAT एज वेल, ठीक है। अब ये दोनों प्रोग्राम्स जो हैं, 2 ईयर्स फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स है, एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी अराउंड 22.5, ठीक है। तो अराउंड 22.5 लाख यू विल बी इन्वेस्टिंग। तो इज इट वर्थ, इस इनका प्लेसमेंट फिगर क्या है, ठीक है, अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, राइट। तो बेसिकली दीज टू प्रोग्राम्स, PGDM, PGDM BM, बिजनेस मैनेजमेंट, इनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कि एज आई टोल्ड यू, कि जो इसका एप्लीकेशन फीस है, अगर आप सिर्फ PGDM के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो दैट इज 2000, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर PGDM बिजनेस मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो उसका फीस इज ऑल्सो 2000, ठीक है। बट अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, देन यू हैव टू पे अ सम ऑफ 3000, ठीक है। ये इंडिविजुअल प्रोग्राम्स हैं, बट अगर आप दोनों के लिए ही अप्लाई करना चाह रहे हो तो देन दिस विल बी द चार्ट, ठीक है। अब इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, इट इज़ मोस्टली प्रोफाइल बेस्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओनली वर्केक्स आर देयर, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, अगर आप फाइनल ईयर में हो, ठीक है, और यू आर प्लानिंग कि अपने को अगर अगले साल कोई कॉलेज अपने लिस्ट में रखना है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए एक चॉइस के तौर पे रह सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली 2 फेज में दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू। पहले में दे विल बी शॉर्टलिस्टिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफाइल बेस्ड। अब देखो, प्रोफाइल बेस्ड में यहाँ पर देखो, अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन अकेडमिकली बहुत साउंड नहीं है, तो देन आप इसका फॉर्म डेफिनेटली नहीं भरोगे, क्योंकि यू विल नॉट गेट शॉर्टलिस्टेड इन द फर्स्ट फेज। तो आपका 10th, ठीक है, आपका 12th एंड देन योर ग्रेजुएशन, ये आपका बिल्कुल बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो वहां पर प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन आपका फर्स्ट ये होता है, इफ यू आर फ्रेशर, तो देन आपका 10th 12th ग्रेजुएशन इट शुड बी साउंड। देन सेकेंड वाला जो होता है फेज टू में, दे विल यहाँ पर वो आपके कैट के स्कोर के बेसिस पे, या फिर जो भी आपने एंट्रेंस एग्जाम ऑप्ट किया है उसके बेसिस पे एंड योर प्रोफाइल बेस्ड पे, देन सेकेंड शॉर्ट लिस्टिंग होगी। देयर विल बी 2 राउंड्स फॉर द सिलेक्शन, ठीक है, जस्ट लाइक जैसे बाकी कॉलेजेस में एक ही राउंड होता है आफ्टर द कैट, बट यहाँ पर आपको 2 राउंड्स में, पहले राउंड में आपको सिर्फ आपके प्रोफाइल के बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करके बुलाएंगे, देन सेकेंड फेज में दे विल बी कॉलिंग यू ऑन द प्रोफाइल कम योर स्कोर बेस्ड पे दे विल बी कॉलिंग यू, ठीक है। तो लास्ट डेट इज 22nd नवंबर। तो अगर आपका अकेडमिक बहुत अच्छा नहीं रहा है 10th 12th ग्रेजुएशन, ठीक है, तो देन डेफिनेटली आपको एक बार सोचना चाहिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं कि अबाउट द प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, कि भाई 22.5 लाख का अगर ये कोर्स है तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इन रिटर्न। दोनों प्रोग्राम्स का हम देखेंगे, PGDM और PGDM BM का, कि जो रिसेंट प्लेसमेंट फिगर्स हैं वो क्या रहे हैं। तो ये है फॉर द PGDM प्रोग्राम का। तो PGDM प्रोग्राम में देर आर 240 स्टूडेंट्स इन द बैच, ठीक है। अब हाइएस्ट पैकेज की अगर आप बात करो तो इट इज 81 LPA, हाइएस्ट पैकेज इज 81 LPA, एंड मीडियन सैलरी, देखो मीडियन इज 31.50 एंड एवरेज सैलरी इज 33 लाख्स पर एनम, ठीक है। तो मीडियन, तो फिगर्स आर वेरी गुड, अगर आप फिगर्स पे जाओगे तो इन टर्म्स ऑफ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज अ गुड चॉइस,
ठीक है। तो दिस इज फॉर द पीजीडीएम। और अगर हम बात करें इनका बिजनेस मैनेजमेंट का, तो बिजनेस मैनेजमेंट का जो है दिस इज द फिगर्स फॉर द लास्ट बैच। तो इसमें आप देखोगे कि दैट इज अगेन मीडियन सैलरी इतना है, हाईएस्ट सैलरी इतना है, ठीक है, फॉर द जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो दिस इज अ फाइन प्रोग्राम, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में अगर हम बात करते हैं कि जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो ये आपका कैट के थ्रू, आप जीमैट अगर आपने दिया है या जीमैट देने का प्लान है तो देन डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो। तो क्या क्राइटेरिया इसने, दे हैव क्लियरली मेंशन कि अगर आप कैट के थ्रू जाना चाह रहे हो तो आपका जो सेक्शनल है, एवरी सेक्शन में आपको क्वालिफाइंग दिस देर 75 75 75 परसेंटाइल तो होना चाहिए, ठीक है। एंड ओवरऑल दे विल बी गिविंग यू, अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को मीट कर जाते हो एंड ओवरऑल आपका 85 परसेंटाइल आ जाए, तो देन यू आर एलिजिबल, यू विल गेट अ कॉल, ठीक है, फॉर द इंटरव्यू राउंड। दे विल डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग, फिर ये आपका स्लॉट जो आपका सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा उसके लिए दे विल बी लुकिंग, बट मिनिमम इतना अपने को चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने जीमैट जो है वो उसका विंडो भी दिया है जनवरी 1, 2022 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में, इफ यू हैव अटेम्प्टेड जीमैट या इस पीरियड में आपने जीमैट दिया है, तो उसके लिए भी दे हैव अ क्राइटेरिया 75 75, ओवरऑल 85 परसेंटाइल ये क्राइटेरिया रहेगा सिर्फ और जीमैट, जीमैट का परसेंटाइल एंड ऑल्सो जीमैट फोकस, ठीक है। तो जीमैट का एक नया वर्जन अभी आया है, दैट इज जीमैट फोकस, जो थोड़ा सा डिफरेंट है जीमैट से, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है किससे, जीमैट से। तो अगर आपने इसका फोकस एडिशन दिया है नवंबर 2023 से लेके दिसंबर 2024 के बीच में, लास्ट ईयर से ही आना स्टार्ट हुआ है ये, तो इसमें आपका वही क्राइटेरिया है 75 75 75 एंड 85 ओवरऑल क्राइटेरिया है, राइट। तो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। 85 का मतलब ये नहीं कि डेफिनेटली होगा, बट दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया कि इतना मिनिमम आपको स्कोर करना पड़ेगा इन योर कैट 24 एग्जाम, देन यू कैन एक्सपेक्ट कॉल, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस वाला जो है, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इसमें कि देखो शॉर्टलिस्ट जो इंटरव्यूज होता है, कि जो शॉर्टलिस्टिंग यहाँ पर होती है वो जो प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग होती है, देखो उन्होंने क्राइटेरिया भी मेंशन कर दिया है कि किस बेसिस पे वो आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं अगर आपने अप्लाई किया है। तो वन इज योर कंसिस्टेंसी ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड आपका, 10th 12th ग्रेजुएशन, एवरीथिंग शुड बी रिमार्केबल, ठीक है। फिर रेलिवेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फॉर द स्पेशलाइजेशन चोजन, ठीक है। अगर आपने किसी स्पेशलाइजेशन को चूज किया, मार्केटिंग फाइनेंस जो भी किया है, तो उस फील्ड का वर्क एक्स अगर आपके पास है तो वो कितना रेलिवेंट है उसके हिसाब से वो कंसिडर किया जाएगा क्राइटेरिया, ठीक है। वर्सेटैलिटी एंड अचीवमेंट्स, भाई आप कितने वर्सेटाइल हो, कितने अचीवमेंट्स अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक आपने क्या क्या अचीव किया है, एवरीथिंग विल बी कंसिडर्ड, राइट। बीट इन टू स्पोर्ट्स एंड एनी थिंग, जो भी आपका अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक जो भी एक्टिविटीज हैं दे विल बी कंसिडर्ड। तो पहला राउंड जो होगा दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन दिस फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो वर्क एक्सपीरियंस विल नॉट बी फॉर यू, बट हाँ आपके लिए ये वाला रोल हो जाता है वर्सेटाइल अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक, कि आप कितने वर्सेटाइल हो, आप कितने अचीवमेंट्स यू हैव, वट अदर थिंग यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम योर अकेडमिक, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी कट ऑफ क्राइटेरिया जो है एंट्रेंस एग्जाम में वो मैंडेटरी है, ठीक है। जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा था क्राइटेरिया, दैट इज मैंडेटरी इन केस ऑफ फॉर द इंटरव्यू के लिए, है ना, जो आपका राउंड ऑफ इंटरव्यू आएगा, ठीक है। फिर सेकेंड फेज जो इनका शॉर्टलिस्टिंग का होता है, फर्स्ट शॉर्टलिस्ट में देखो इन्होंने आपके जो स्कोर का है वो मिनिमम क्राइटेरिया आपको सेटिस्फाई कर लेना है, ठीक है। फिर सेकेंड फेज में क्या होगा कि आफ्टर द जब आपका एंट्रेंस कोर्स आ जाता है, तो इस फेज में दे विल अगेन कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, लेकिन उसमें क्या है, प्रोफाइल अलोंग विद द परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो जितना अच्छा आपने कैट में परफॉर्म किया होगा वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा
अपार्ट फ्रॉम, मान लो फर्स्ट राउंड में आप प्रोफाइल बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो राउंड टू में फिर दोबारा होगा, ठीक है, बट इस बार आपके एंट्रेंस स्कोर्स को भी कंसिडर किया जाएगा। तो जितना बेटर आपका स्कोर होगा एंट्रेंस में तो उतने बेटर चांसेस होंगे टू गेट अ कॉल, ठीक है। तो अब जो सिलेक्शन लिस्ट फाइनली बनेगा, देखो उसमें कॉम्पोजिट स्कोर यूज किया जाता है, आपका प्रोफाइल, अकेडमिक रिकॉर्ड, एंट्रेंस टेस्ट का स्कोर, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस अगर कुछ है, ठीक है, एंड योर परफॉर्मेंस इन द टू राउंड ऑफ ग्रुप इंटरव्यूज। तो देर इज अ अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, प्रोसेस है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जस्ट अगर आप खाली कैट में परफॉर्म कर लो या जीमैट में परफॉर्म कर लो तो दैट इज नॉट अ श्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मोर ऑफ अ प्रोफाइल ओरिएंटेड सिलेक्शन है। तो जितना अगर यू गाइज हैव अ गुड प्रोफाइल, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है इन अ रेलिवेंट फील्ड, ठीक है, तो यू हैव वेरी गुड चांसेस, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बीइंग अ फ्रेशर आपके चांसेस नहीं है, देर आर अ चांसेस। आई विल शो यू कि जो लास्ट वाला बैच था इसमें किस रेशियो में वर्क एक्स वाले लोग थे और किस रेशियो में कितने उसमें फ्रेशर्स थे, ठीक है। तो डेफिनेटली फ्रेशर्स गेट सिलेक्टेड बट डिपेंडिंग ऑन द योर प्रोफाइल, ठीक है। अब जो वर्क एक्स की बात करते हैं, जिन लोगों के पास वर्क एक्स है, ठीक है, तो वर्क एक्स जो है पहला तो देखो मैंडेटरी नहीं है, दैट इज क्लियरली मेंशन, इट इज एंटायरली ऑन योर प्रोफाइल। कि ऐसा नहीं है कि वर्क एक्स नहीं है आपके पास तो यू विल नॉट बी सिलेक्टेड, इट इज नॉट मैंडेटरी। ये क्लियरली मैंशनड है इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दैट वर्क एक्स इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो ग्रेजुएट्स विद नो वर्क एक्सपीरियंस एंड दोज विद लेस देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई, ठीक है। तो इफ यू आर अ फ्रेशर, ठीक है, आप ग्रेजुएट भी हो, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिल यू कैन अप्लाई, ठीक है। बट एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल and how you are performing in the entrance test, ठीक है। अब जो work experience है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो work experience होगा वो after the graduation consider किया जाएगा। अगर आपने कुछ during the graduation करा है तो it is entirely not considered, ठीक है। आपकी internships हो गया या training या project या जो भी आपने किया उसको भी work ex नहीं count किया जाएगा। Apprenticeship आपने किया हुआ है, ठीक है, या articleship है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा और एनी अदर अनपेड वर्क टेकन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज वर्क एक्सपीरियंस। तो बहुत ध्यान से जो लोग जिनके पास वर्क एक्स अप्लाई करने वाले हैं तो वर्क एक्स दे हैव क्लियरली मैंशन, ठीक है, इंटर्नशिप एंड एवरीथिंग, आर्टिकलशिप, ये सब जो है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर द वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन, ठीक है। फिर प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपके पास ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप्स और एक्सपीरियंस लेटर, एवरीथिंग शुड बी देयर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें होने चाहिए, देन यू कैन अप्लाई। ये सारे पैरामीटर्स आप ध्यान में रखते हुए देन डिसाइड कि इफ़ यू शुड गो फॉर एस पी जैन और नॉट, ठीक है। देन देखो जैसे हमने कहा था कि जब आप पी जी डी एम पे अप्लाई करते हो तो यू हैव टू गो फॉर टू स्पेशलाइजेशन, वहाँ पर आपसे वो तो स्पेशलाइजेशन पूछेगा, तो दीज आर द स्पेशलाइजेशन जो मेंशन है। तो लेट अस से कि आपने फर्स्ट पे फाइनेंस रखा है, सेकंड पे मार्केटिंग रखा है, तो अगर फाइनेंस के लिए यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड तो दे विल कंसीडर यू फॉर द सेकंड चॉइस, ठीक है, जो आप सेकंड प्रेफरेंस दोगे वो उसके लिए यू कैन चूज। एंड देर इज अ क्राइटेरिया कि अगर आपने लेट अस से फाइनेंस में नहीं हुआ बट मार्केटिंग में हो गया तो शुड यू ज्वाइन, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जनरली क्या होता है, बेसिक ऑल द इन जनरल आपको व्यू दिया जाता है पूरे मैनेजमेंट का। तो आप सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकते हो बट इट इज सब्जेक्टिव, डिपेंडेंट ऑन योर परफॉर्मेंस अकेडमिकली कॉलेज में, ऑन द आपने कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पे दे माइट गिव यू चांस टू अगेन गेट इन टू द फाइनेंस, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखने फॉर द PGDM के लिए, ठीक है। तो यहां पर आपको दो प्रेफरेंस देना है। तो क्लियरली देखो यहां पे मेंशन है कि आपके पास जो है कंसिस्टेंट एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक बैकग्राउंड का रोल यहां पे। तो दोस पीपल जिनका एकेडमिक अगर नहीं उतना साउंड है तो देन डेफिनेटली आप इसको अवॉइड कर सकते हो, बिकॉज देर आर वेरी लेस चांसेस ऑफ कन्वर्जन, ठीक है।
परफॉर्मेंस आपका 10th में हो गया, 12th में हो गया, ग्रेजुएशन, एवरी ईयर आर कंसीडर्ड, मतलब हर ईयर का। ऐसा नहीं है कि 10th में कम है तो उसका कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। दे विल कंसीडर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर एकेडमिक, ठीक है। देन सी, मैंने कहा था दिस इज द बैच प्रोफाइल, अगर देखोगे तो अराउंड यस 84% ऑफ द बैच होल्ड्स वर्क एक्सपीरियंस, बट स्टिल 16% ऑफ द फ्रेशर्स आर देयर। तो इफ यू आर अ फ्रेशर, यू हैव अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, यू आर वर्सेटाइल, यू हैव सम अचीवमेंट्स टू प्रेजेंट, तो डेफिनेटली दिस शुड बी योर चॉइस, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एसपी जैन। तो एसपी जैन इफ यू शुड गो और नॉट, तो यू कैन नाउ मेक अ कॉल, ठीक है। नाउ अगर आप लोग, if you are in the final year or you have plan for the cat next year ke liye, if you guys have a plan, so we have a batch jo ki aapka for cat or mets ke liye hai, theek hai, a full dedicated batch already started, theek hai, classes already started ho chuki hain. So if you guys have any query about this batch to aap hame call kar sakte ho, theek hai, you need anything to know about this batch, right? So I hope you got the idea ki yahan par hum ki SP Jan के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट? तो 22nd नवंबर इज द लास्ट डेट, तो बिफोर दैट यू कैन मेक अ कॉल, राइट? सो आई होप यू लाइक दिस सेशन गाइस। यू नीड इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी अदर कॉलेज, ठीक है, जो आपको लगता है कि इसके बारे में यू नीड टू नो, तो यू कैन कमेंट, ठीक है, तो विल ट्राई टू कम अप विद द इन्फॉर्मेशन। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।